और जोशीमठ की इन पहाड़ियों के बीच से मैं जयदीप भट्ट आपको एक बार फिर ये अपडेट देने आया हूँ कि कल रात की ज़ोरदार बारिश के बाद आज इवनिंग टाइम देख सकते हो आप माउंटेन में दूर दूर तक स्नोफॉल हो रही है और जो माहौल गर्मी का यहाँ पे होना चाहिए था वो माहौल आज पूरे ठंड में बदल रहा है। पूरा क्लाइमेट चेंज है और देख सकते हो आप दूर पहाड़ियों में स्नोफॉल हो रहा है ये, जबकि इस टेम्परेचर पर जो नॉर्मली यहाँ का जो टेम्परेचर रहता था वो आपका 22 डिग्री 23 डिग्री के अबव रहता था, आज जो यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो टेम्परेचर आपका मिल रहा है 12-13 के अबव। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है और जून का ये महीना है, तो जून के महीने में पहले भी हम देखा करते थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। इस बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जून के महीने में भी अच्छी खासी स्नो पड़ रही है पहाड़ों में, और इससे पहले यहाँ पर स्नो इतना ज़्यादा नहीं गिरता था, सिर्फ विंटर में ही गिरता था, जून के महीने में कोई स्नोफॉल नहीं होती थी। आज यहाँ पर अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, तो क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका है और विंटर में जो स्नोफॉल होती थी उसका भी पूरा टाइमिंग चेंज हो चुका है, और जो स्नो विंटर में होनी थी वो आजकल जून में हो रही है और विंटर में पूरा सूखा और हल्की गर्मी पड़ रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पूरा मौसम चेंज होता जा रहा है। और जो ये विलेज नीचे दिख रहा है आपको, यह है रविग्राम और इसी के पास में जोशीमठ पड़ता है, जो कि आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि दिन प्रतिदिन जोशीमठ डूबता जा रहा है। और ये जो रिवर आपको दिख रही है यह है अलकनंदा एंड धौली रिवर, यहाँ पे विष्णुप्रयाग एक पॉइंट है, जो रोड यहाँ से जा रही है ये बद्रीनाथ बद्री विशाल की ओर जा रही है, और वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब के लिए भी यही रूट जाता है। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।